हरदोई के शाहबाद लोनी चीनी मिल प्रबंधन के बनवाने के चलते आजकल शाहबाद के आसपास के गांवों के सैकड़ों किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। यहां के किसान जब लोनी फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ था तब फूले नहीं समा रहे थे और यह सोचते थे कि गन्ने की पैदावार होने से उनके जीवन में खुशहाली आएगी, लेकिन शायद यह उनकी भूल थी। लोनी मिल प्रशासन किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। जी हाँ, लोनी मिल प्रशासन शाहजहापुर जिले से रोजाना सैकड़ों क्विंटल गन्ना, जो कि गन्ना क्रय केंद्रों व दलालों के मार्फत से फैक्ट्री तक पहुंचता है, ले लिया जाता है, लेकिन आसपास के किसानों को गन्ने की पर्चियां नहीं दे रहा, जिसकी वजह से उनकी गन्ने की फसल चूहे बर्बाद कर रहे हैं व लाखों क्विंटल गन्ना सूख चुका है और खराब हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों में आक्रोश व्याप्त है और यह भयंकर रूप भी ले सकता है। किसानों से मिली जानकारी के अनुसार मिल प्रबंधन तकरीबन 1-1.5 महीने से पर्चियां वितरण में लापरवाही एवं मनमानी बरत रहा है। किसानों ने बताया कि अगर मिल प्रशासन टाइम से हमको पर्चियां नहीं देगा तो हमारा गन्ना खेतों में खड़े होने की वजह से हम लोग जरूरी फसलें गेहूं की बुआई से वंचित हो सकते हैं। इस मामले की जानकारी जब एसडीएम शाहबाद दिग्विजय सिंह को हुई तो उन्होंने शुगर मिल लोनी के आलाधिकारी को कड़े दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द किसानों की परेशानी का हल निकालने के आदेश दिए। बाहर आपका नाम क्या है? हरिकरण। ये कौन सा गांव है? नगला भगवान। क्या दिक्कत है बताइए? पर्ची ना आया होती है, यहाँ गन्ना था रुको पर और दलाल लोग पर्ची होती है, दलाल लोग खरीद करवा होते हैं, बाहर को गन्ना पेटते हैं, दलालन की पर्ची अंजुरी ना होती और हमारे की पर्ची एक और नहीं होती, हमारो थो गन्ना ऐठाड़ो गोरू है परेशान आगे थो कटे ठाड़े हुआ ले जाओ तो फिर लौटा दे फिर गलसा चलवाओ थे मिल से। आपने किसी अधिकारी से शिकायत करी? हर अधिकारी गन्ना का कटवाओ थे बाहर का जो निकलवाओगे बाहर निकाल के जरा इसकी काटो पुलैया बनाबो फिर होते बड़ा दिक्कत यही लगा थे कि अधिकारी झोंड राम भरोसे। क्या दिक्कत है आपको गन्ने से? दिक्कत यह है कि पर्ची औती ना आए हैं और 1 बीघा में 28 क्विंटल गन्ना लिख दो सब मुँह से खाई लाओ आग जो है बहु आग सब सूख गो है कुछ वही रही ना ही गो है अब बताओ क्या करे 6 बीघा में 1 पर्ची आई है। बाकी गन्ना कहाँ का खरीदा जा रहा है? बाकी बाहर गन्ना खरीदो ना जाते तो पैरों का आउती कहाँ से? एक ट्राली ले जाओ 3 घंटा लगा तब तब परिपाउती है बराबर ट्राली लाइन लगी रहती है हिंदी आंजी स्टेशन लो फैक्ट्री से। कौन सी फैक्ट्री है आपकी? कौन सी फैक्ट्री? लोनी फैक्ट्री। क्या नाम है आपका? कृष्ण पाठी। ये कौन सा गाँव है? नगला भगवान। क्या दिक्कत है गन्ने की अभी तक जो गन्ना खड़ा हुआ है? दिक्कत परिचित है और कोई दिक्कत थोड़ा हुआ पर्ची जब दी जब होली बाद दी जाए जब आदमी तीन बीसन कम हुई तो कैसे गन्ना डालो जाएगी? बाहर का गन्ना खरीदा जा रहा है यहाँ क्या? अब बाहर को जौना हम बता सके बाहर खरीदे का पेराई तो रोज होती है जितने उनको टारगेट है उसको पेराई आखिर गन्ना कहाँ से पेर रहे हैं हम यहाँ इलाका गन्ना नहीं ले रहे गेट पर को गन्ना नहीं खरीद रहे हो गन्ना कहाँ को तुम पेर रहे हो? सर शाहबाद के गन्ना किसानों का आरोप है कि चीनी मिल प्रशासन जो है बाहर का गन्ना ले रहा है, इसके बारे में सर आपको क्या जानकारी है? अभी अभी मेरी जो है चीनी मिल प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस बार सीजन लंबा है इसलिए जो है इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और किसी का भी गन्ना जो है मिल में आने के लिए खड़ा नहीं रहेगा, मिल तब तक चलेगी जब तक सबका गन्ना मिल तक पहुंच नहीं जाता है। जो सर किसानों का नुकसान हो रहा है सर उसके बारे में सर क्या होगा? किसानों का नुकसान अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है और प्रयास किया जाएगा जल्द से जल्द सबका गन्ना पहुंच जाए सबको सही पर्चियां बटे।